नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ टीवी। मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आज हम आपसे कोविड से संबंधित जो लगातार जो परेशानियां बढ़ती जा रही है, संक्रमण में जो तेजी आई है, उससे संबंधित आपको अपडेट देने के लिए यहां आए मौजूद हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री ने मीटिंग कर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया कि शाम 7 बजे तक ही बिहार के तमाम जिलों में दुकानें खुली रहेंगी, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। हालांकि जो होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं उनको इस चीज़ों से अलग रखा गया है, तो फिलहाल उनको छूट दी गई है जो 7 बजे का जो समय निर्धारित किया गया। इसके साथ ही 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही जो 30 अप्रैल तक की अवधि तय की गई है, तमाम धार्मिक स्थलों के लिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक स्थल, वो 30 अप्रैल तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि यहां पर नियमता जो मंदिर की जो पूजा होती है वो जारी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, लेकिन आम लोगों के लिए पूरी तरीके से इसको बंद रखने का निर्देश दिया गया है। और किसी भी तरीके से भीड़ जो जमा ना हो, इसके लिए खास दिशा निर्देश भी दिया गया है। वहीं हम जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिलाधिकारी ने भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में तमाम तरह की जो व्यवस्था की गई है कोविड से बचाव के लेकर, जो तमाम तैयारियां की गई है उसको लेकर अभी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हम बता दें कि भागलपुर में अब तक 93 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जो कोविड मरीज मिल रहे हैं लगातार तेजी से मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में पटना में सबसे अधिक तेजी से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर भी लगातार जो है वहां पर भी मरीजों की संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, अब निर्णय लिया कि शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है और इसको सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी की बात करें तो उन्होंने आज स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 11 सीनियर ऑफिसर को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है, जो तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जो कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है उसमें लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करें, और साथ ही लोगों से यह अपील भी करते दिखे जिलाधिकारी कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, अपनी सुरक्षा के साथ अपने परिवार, समाज की सुरक्षा का ख्याल रखें, जिससे हम सभी एक दूसरे के परेशानी का कारण बनने से बच पाएं। और कोविड का जो दूसरा स्ट्रेन है जो काफ़ी खतरनाक रूप में लेता जा रहा है, लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है और मौत की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर पहले की तुलना देखा जाए तो एवरेज भी, विशेषज्ञों की माने तो एवरेज भी काफ़ी तेजी से इस बार पहले की तुलना में अधिक हो रहा है। और इसके लिए हालांकि प्रशासन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि तमाम जो तैयारियां की गई है, स्वास्थ्य विभाग के लिए तरफ से तमाम तैयारियां की गई है इससे जूझने के लिए, इसके लिए बचाव के लिए भी लगातार दिशा निर्देश और जागरूकता भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। टेस्टिंग को बढ़ाने की का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था और अभी जिलाधिकारी ने भी इसको लेकर जानकारी दी कि रोजाना टेस्टिंग में भी लगातार वृद्धि की गई है। लेकिन इसके साथ ही सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भीड़ जमा ना हो, इसके लिए खास दिशा निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से भी खास दिशा निर्देश भी दिया गया है कोविड से बचाव को लेकर के। हम आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पर 4000 से अधिक की जो टेस्टिंग हो रही है रोजाना, ऐसा जिलाधिकारी के आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता पा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपको हम बता दें कि अभी तक, अब तक जो है यहाँ पर 500 से अधिक जो कोविड मरीज पाए गए हैं इस दूसरे स्ट्रेन के दौरान, तो उसमें हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर माना जा रहा है, लेकिन जो पहले की तुलना है उसको देखा जाए तो पहले से ये कमजोर स्थिति में है। इसलिए खास तौर पे ये लोगों से अपील की गई है सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि पूरी तरीके से जो है सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को जरूर लगाएं, बिना मास्क लगाए ना निकले और अन्य अनावश्यक रूप से रोड पर ना निकले, सड़कों पर ना निकले, जिससे कि अपने साथ समाज और परिवार की भी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और 7 बजे के बाद जो है, वहीं SSP ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माइकिंग के माध्यम से दुकानदारों को यह जानकारी दी जाएगी कि 7 बजे तक दुकान खुली रखनी है, उसके बाद बंद रखना है, और उसके लिए अगर इस आदेश का पालन नहीं होता दिखाएगा तो इसके लिए सख्ती भी बरती जाएगी जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो है। और इसके लिए कई टोल फ्री नंबर भी लगातार आपको बता दें कि जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से, और मायागंज अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो या भागलपुर में बनाए गए तमाम जो कोविड से संबंधित जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ जाँच की भी प्रक्रिया लगातार जारी है, और वैक्सीनेशन
का भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और बीच में हम आपको बता दें कि यह सूचना भी आ रही थी कि कोविड वैक्सीन के कमी की बात, कुछ खत्म होने की बात आ रही थी, तो इस सारी बातों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नकारा है और स्पष्ट रूप से आज भी जानकारी दी गई है इसके लिए कि कोविड के लिए पर्याप्त वैक्सीन यहाँ मौजूद है और अब तक 1,40,000 से अधिक लोगों को यहाँ वैक्सीन दिया जा चुका है। वहीं दूसरे अगर डोज की बात करें 18,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज भी यहाँ दिया जा चुका है। तो जैसे जैसे लोगों का समय जो है उसकी अवधि जो तय की गई है दूसरे डोज की, तो उसके अनुसार लोग डोज भी ले रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जो भयावह होती जा रही है, इसको लेकर के भी खास दिशा निर्देश और खास सतर्कता बरतने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है और मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर लगातार कई दिशा निर्देश दिए हैं। और बाजारों में जो भीड़ लगती है उसको लेकर के खास यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से बाजार में भीड़ जमा ना हो और लोग प्रशासन के साथ लोग भी सहयोग करें इस सारे आदेश का अनुपालन कराने में, जिससे कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, अपने साथ अपने परिवार समाज की सुरक्षा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि लगातार जो है यह कोविड एक ऐसी समस्या है जिससे आप ना सिर्फ आप प्रभावित नहीं होते हैं, आपके कारण आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग और इसके साथ एक चैन जो बनता जाता है वो बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में लेता है और लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। कई लोगों की, लाखों लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। तो इसके लिए हम आगे भी कोविड से संबंधित अपडेट आपको अगर लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।